नमस्कार, मैं हूँ वर्षा ठाकुर फ्रॉम शिक्षा मित्रा क्लासेस और मैं एक बार फिर आ गई हूँ अपनी नई क्लास लेकर सीटेट साइंस की। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे ऑलरेडी है ही है, आप देख सकते हैं। ये एक मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको कॉलम ए में दिए गए ऑप्शंस को कॉलम बी के साथ मैच करना है। और आप देखेंगे कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि इसमें जो कॉलम ए पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं केवल चार हैं और जो कॉलम बी में ऑप्शंस हैं जिनसे आपको मैच करवाना है कॉलम ए को वो छह हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ वो बताना चाहते हैं कि कॉलम ए की तरफ कुछ विटामिन्स हैं और मिनरल हैं जिनका कमी के कारण, जिनकी डेफिशिएंसी के कारण फॉलोइंग डिसऑर्डर या डिजीज हो सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि व्हाट इज द डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीजेस, दीज आर दोज डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट विटामिन्स और मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। कि डेफिशिएंसी डिजीज ऐसी डिजीजेस होती हैं जो किन्हीं विटामिन्स और मिनरल्स की कमी के कारण हमारी बॉडी में हो जाती है। जैसे कि विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है वो होता है लॉस ऑफ विजन। जी हाँ, क्योंकि विटामिन ए जो होता है वो आंखों को, आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी है, आंखों के लिए बहुत जरूरी है। तो विटामिन ए जो है वो विजन लॉस या लॉस ऑफ विजन के लिए होता नहीं है, लॉस ऑफ विजन विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। सॉरी, आई एम रिपीटिंग माय आंसर अगेन, दैट विटामिन ए जो होता है उसकी डेफिशिएंसी के कारण लॉस ऑफ विजन हो जाता है। नेक्स्ट इज विटामिन बी। विटामिन बी भी एक विटामिन है जो हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है और उसकी जो डेफिशिएंसी है वो बेरी बेरी नाम की डिजीज कॉज करती है। बेरी बेरी नाम की डिजीज एक रेयर डिजीज है। इसके अंदर लोगों को लॉस ऑफ एपेटाइट, पेन, वीकनेस, स्वेलन लेग्स और पेन स्वेलन लेग्स एंड हैंड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से विटामिन बी के कारण जो विटामिन बी की कमी के कारण जो डिजीज होती है वो बेरी बेरी है। देन विटामिन सी। विटामिन सी जो है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, एक ऐसा विटामिन है हमारी बॉडी में जो एवरी टाइम जब हम यूरिन पास आउट करते हैं तो हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो ये विटामिन जो है हमें सिट्रस फ्रूट से यानी खट्टे खट्टे फ्रूट से मिलता है। और कोविड के दौरान आपने देखा होगा बहुत लोगों ने विटामिन सी के टैबलेट्स लिए थे, क्योंकि विटामिन सी हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। तो विटामिन सी की कमी से जो डिजीज होती है वो स्कर्वी होती है। और स्कर्वी एक ऐसी डिजीज है जो मोस्टली हमारे मसूड़ों की एक डिजीज है जिसके अंदर हमारे जो मसूड़े हैं, हमारे गम्स हैं, वो स्वेल कर जाते हैं और उनमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और बैड ब्रीथ की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होती है। एंड देन आयरन, वो कोई विटामिन नहीं है, वो एक मिनरल है जो हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। और अगर आप देखें तो हमारे ब्लड में एक तरह का पिगमेंट है जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है और हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन का बना हुआ है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा बरकरार रहे, अप टू द मार्क रहे, तो हमें आयरन युक्त चीजें खानी चाहिए। तो आयरन की कमी से मोस्टली लोगों को एनीमिया होता है। एनीमिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें लोगों को खून की कमी हो जाती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है और हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी कमी जब आ जाती है तो उसके लिए डॉक्टर जो है हमें आयरन युक्त चीजें खाने के लिए देता है या फिर आयरन टैबलेट्स खाने के लिए देता है। तो यहाँ पर अगेन आयरन की कमी के कारण होने वाली डिजीज जो है वो एनीमिया है। तो अगर मैं मैच करना चाहूंगी तो विटामिन ए जो है वो कोज करता है लॉस ऑफ विजन। विटामिन बी की जो कमी, विटामिन बी के द्वारा जो डिजीज कोज होती है, विटामिन बी की कमी के द्वारा जो डिजीज कोज होती है, मेरे कहने का मतलब है वो है आपकी बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी के कारण जो डिजीज कोज होती है दैट इज कॉल्ड स्कर्वी। एंड आयरन जो मिनरल है जिसकी कमी के कारण जो डिजीज कोज होती है दैट इज कॉल्ड अनेमिया। तो आप ध्यान से देखेंगे, विटामिन ए इज कॉल्ड कॉज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज लॉस ऑफ विजन। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉज बेरी बेरी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज स्कर्वी। एंड डेफिशिएंसी ऑफ डी कॉज एनीमिया। ग्वाइटर जो है वो आयोडीन मिनरल है, आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए वो यहाँ पर मौजूद ना नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल आ ही नहीं सकता।
जहां तक बात आती है रिकेट्स की, वो विटामिन डी की कमी से होता है। ग्वाइटर के केस में जो हमारी गर्दन है, जो हमारे गर्दन का ये वाला हिस्सा है, ये स्वेल कर जाता है और ये आयोडीन की कमी से होता है ग्वाइटर, और यहाँ आयोडीन का ऑप्शन नहीं है तो हमने ग्वाइटर को रूल आउट कर दिया। देन रिकेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो टांगे हैं वो बो शेप की हो जाती हैं, टांगे टेढ़ी हो जाती हैं, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और वो वाला ऑप्शन भी कॉलम ए में नहीं था इसलिए उसको भी हमने यहाँ से रूल आउट किया। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है विटामिन ए, दैट इज लॉस ऑफ विजन, विटामिन ए कॉजेस लॉस ऑफ विजन, ए फोर बी, यानी आपका आंसर होगा ए फोर बी फाइव सी थ्री डी टू। ए फोर बी फाइव सी थ्री डी टू। तो इस तरह से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ए फोर बी फाइव सी थ्री डी टू बी वाला, ए फोर डी फाइव सी थ्री डी टू। सो दिस वॉज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड लेट्स गो टू द सेकेंड। An object of mass 200 kg is sliding on a smooth horizontal frictionless surface. कह रहे हैं कि एक फिसल पट्टी की तरह एक सरफेस है, आपने देखा होगा नॉर्मली फिसल पट्टी में बच्चे झूलते हैं ना, खेलने जाते हैं, तो एक फिसल पट्टी होती है जिसमें वो सीढ़ियों से पीछे से चढ़ते हैं और ऊपर से स्लाइड करके नीचे उतर जाते हैं। फिसल पट्टी में वो बच्चे इसलिए स्मूथली इसलिए नीचे निकल जाते हैं क्योंकि जो फिसल पट्टी का सर्फेस होता है बड़ा स्मूथ होता है, तो फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं होती है। फ्रिक्शन ना होने के कारण वो बच्चे जो है आसानी से फिसलते हुए नीचे पहुंचते और बहुत मजे लेते। बिल्कुल ठीक वैसा ही एक स्लाइडिंग स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसमें फ्रिक्शन नहीं है, और जो 200 केजी का ऑब्जेक्ट है वो उसमें मूव कर रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ड आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। तो जितनी कांस्टेंट वेलोसिटी उसकी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड की, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज, वो कह रहे हैं अब वो बोलना चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव करता रहे उसके लिए कितनी फोर्स लगनी चाहिए। तो ऑप्शंस में उन्होंने सबसे ऊपर वाला ऑप्शन 10,000 न्यूटन का दिया, उसके बाद 1,000 न्यूटन है, फिर 100 न्यूटन एंड देन जीरो उन्होंने बात की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फोर्स क्या होती है, फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स क्या होती है, पुश और पुल होता है, और फर्स्ट लॉ के अनुसार वी कैन नॉट एबल टू मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू इनटू रेस्ट और अ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट टू मूव विदाउट एनी फोर्स, कि हम बिल्कुल भी किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना फोर्स के ना तो रेस्ट पोजिशन से मोशन में ला सकते हैं ना ही मोशन तो उसको वापस रेस्ट पोजीशन में ला सकते हैं, तो फोर्स बहुत जरूरी होती है। दूसरी बात यह कि अगर हम बात करें फोर्स की तो फोर्स क्या है कि फोर्स क्या है, इट इज अ पुश और पुल, और फोर्स क्या है कि फोर्स जो होती है इट इज वेरी हेल्पफुल कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की, व्हाट डज अ फोर्स डू, क्या करती है फोर्स, फोर्स कैन चेंज द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ अ बॉल। एक फोर्स जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। दूसरा, कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉल। तो फोर्स क्या क्या कर सकती है, फोर्स इज अ पुश और पुल, और फोर्स क्या क्या कर सकती है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो इस तरह से अगर आप यहां पर देखें जब वो स्लाइडिंग मोशन में है, ऊपर से स्लाइड होके नीचे आ रहा है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में जिसमें फ्रिक्शन लेस है वो, यानी यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो है, फ्रिक्शनलेस सरफेस मतलब द फोर्स, विच फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ जीरो है, और आप वो बात कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी की, वेलोसिटी भी यहाँ बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर दो चीजें नहीं हो रही जो फोर्स करती है, एक डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, दूसरा स्पीड भी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि फोर्स द्वारा की जाने वाले ये दोनों काम, चेंज इन द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, दोनों ही यहाँ ऊपर नहीं हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ फोर्स जो है वो बिल्कुल जीरो है। तो आंसर इज डी।
तो मैं एक बार फिर से बता दूं यहां पर कि फोर्स का काम होता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करना या उसके डायरेक्शन को चेंज करना। तो ऊपर लिखा हुआ है कि वहां ऊपर जो ऑब्जेक्ट 200 केजी का ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है किसी स्लाइडिंग सरफेस से नीचे की ओर, ना तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है क्योंकि लिखा हुआ है ना कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ना तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है, ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहे और साथ में उसी स्पीड में मूव, उसी वेलोसिटी में मूव करता रहे। इसके लिए कौन सी फोर्स चाहिए? भैया अगर फोर्स लगेगी तो वो स्पीड भी चेंज करेगी साथ में डायरेक्शन भी चेंज करेगी, और ये दोनों चीजें इसमें नहीं हो रही है तो इसका मतलब वहां पर फोर्स क्या है? जीरो है। तो ऑप्शन इज जीरो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ रेनबो। रेनबो के बारे में सभी जानते हैं, सात रंग का रेनबो होता है विबग्योर, ठीक है, उसके सातों रंगों को याद करने के लिए हम ये फॉर्मूला याद रखते हैं विबग्योर, क्लियर, जिसमें वायलेट है, इंडिगो है, बी फॉर ब्लू है, जी फॉर ग्रीन है, वाई येलो है, ओ ऑरेंज है और आर रेड है। अब वो बोलना चाहते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रेनबो के लिए सही है। सही है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा आधा जो है यहाँ से कट हो गया है, तो मैं यहाँ इसको पूरा करूँ कि वो बोलना चाहते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रेनबो फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल सही है। तो मैं आपको बता दूं कि रेनबो फॉर्मेशन के लिए जो स्टेटमेंट है उसकी तो हम बाद में बात करते हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि रेनबो बनता कैसे है। रेनबो जो है जब रेन हो जाती है उसके बाद बनता है। रेनबो रेन हो जाने के बाद क्यों बनता है? क्योंकि जो रेन की ड्रॉप्स होती हैं, जो रेन की ड्रॉप्स होती हैं वो जो होती हैं क्या करती हैं, एज अ प्रिज्म की तरह काम करती हैं। और प्रिज्म में ऐसा माना गया कि जब किसी प्रिज्म के थ्रू, जब किसी प्रिज्म के थ्रू आप सनलाइट को पास करते हो तो सनलाइट जो है वो सात डिफरेंट कलर्स में जो है स्प्लिट अप हो जाती है। मैं बिल्कुल कोई परफेक्ट डायग्राम यहाँ ड्रॉ नहीं कर रही हूँ कि मैं पूरा फिजिक्स की तरह लाइन बाय लाइन से ड्रॉ करूँ, बहुत जनरल सा डायग्राम है कि मैंने यहाँ पर सनलाइट बना रखी है। सनलाइट व्हेन पासेस थ्रू द प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू सेवन डिफरेंट कलर्स, ये सात डिफरेंट कलर्स में जो होती है वो स्प्लिट हो जाती है, इसको डिस्पर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। तो अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो मैं दिखाऊंगी कि ये यहाँ पे ऐसे दो तीन चार पांच छ सात, थोड़ा सा लाइन को लेकर यहाँ पर बड़ी मसला है क्योंकि सीधी स्ट्रेट लाइन आती नहीं है, और सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं आएंगी तो जो डायग्राम है वो थोड़ा सा आपको देखने में अटपटा लगेगा। ये आपका प्रिज्म है, ये आपकी सनलाइट है, और सनलाइट जब इसके थ्रू पास होती है तो ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम, यानी एयर से, जब लाइट आपकी एयर से ग्लास में जा रही है तब लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा बेंट हो जाती है, यानी कि उसको जाना तो सीधा चाहिए था, ऐसे जाना तो उसको सीधा चाहिए था, पर वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा क्या हो गई, बेंट हो गई। तो यहाँ से वो थोड़ा सा क्या हो जाती है, बेंट हो जाती। और जब बाहर निकलेगी, जब वो क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी, तो इसके अंदर सनलाइट के अंदर मौजूद जितने सात रंग है वो सारे सात रंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से when a sunlight is passed through the prism it dispersed or it split into seven different colors, that process is called dispersion, उस प्रोसेस को डिस्पर्जन बोला जाता है। तो बिल्कुल रेनबो जो फॉर्मेशन होती है वो इसी बिल्कुल इसी फिनोमिनन के आधार पर है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो प्रिज्म का काम कर रही है, उस वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट जो होती है वो सात रंगों में जो होती है विभाजित हो जाती है, बाई द प्रोसेस कॉल्ड डिस्पर्जन। तो वो सात रंग जो बाद में आपको आसमान में नजर आते हैं वो रेनबो के फॉर्म में नजर आते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें एक रेनबो के लिए होनी चाहिए, वो ये है कि इट अपीयर्स यूजुअली आफ्टर द रेन, से भी सही है। एट द टाइम ऑफ रेनबो द सन इज हाई इन द स्काई, नहीं ये बिल्कुल गलत है, हाई नहीं होना चाहिए स्काई के ऊपर वो। टू ऑब्जर्व अ रेनबो द ऑब्जर्वर्स बैक शुड बी टुवर्ड्स द सन, यस, जो रेनबो अगर आपको दिखे एस इसके लिए रेनबो जो है वो ऑब्जर्वर की नजर से, यानी ऑब्जर्वर की पीठ के पीछे जो होना चाहिए वो सन होना चाहिए। तो यहाँ पर बताया हुआ है टू ऑब्जर्व अ रेनबो द ऑब्जर्वर्स बैक शुड बी टुवर्ड्स द सन, कि अगर किसी व्यक्ति को रेनबो देखना है तो उस व्यक्ति की जो पीठ है वो सन की तरफ होनी चाहिए। बिल्कुल सही है।
देन इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो द वाटर ड्रॉपलेट इन द एटमोसफेयर एक्ट एज अ प्रिज्म. ये तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो ड्रॉपलेट्स होती हैं दे आर एक्टिंग लाइक अ प्रिज्म. और प्रिज्म का क्या काम है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखते हैं कि प्रिज्म के थ्रू अगर हम सनलाइट को पास करते हैं तो आप देखोगे कि प्रिज्म के थ्रू जैसे ही सनलाइट पास होती है वो सनलाइट जो होती है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है. उसको बोलते हैं डिस्पर्जन. द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर व्हेन पासेस थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन. तो वही फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के पीछे का कारण है. सबसे बड़ा जो फिनोमिनॉन है उसके पीछे का वो यही है कि जो रेनबो बनाने के लिए जो वाटर ड्रॉपलेट्स है एटमोसफेयर में प्रिज्म की तरह काम कर रही है और वहां पर डिस्पर्जन हो रहा है आपकी व्हाइट लाइट यानी सनलाइट का, जिसके कारण आपका क्या बन रहा है, रेनबो बन रहा है. ठीक है, तो यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि बी वाला गलत है, ए सी डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ए सी एंड डी. सो ए देन सी एंड देन डी. मैच द आइटम्स ऑफ द कॉलम ए विद दैट ऑफ कॉलम बी. सबसे पहले हम बात करें एल्गे की, तो अगर आप एल्गे की बात करते हैं तो एल्गे बहुत सारी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गे होती है आपकी, है ना. और जो आपकी क्लाइमेडोमोनस है वो भी एक तरह का क्या होता है, एल्गे होता है. फ्रेश वाटर और सी वाटर दोनों में ही देखने को आपको मिलता है और इसीलिए ऑप्शन ए के साथ जाएगा. ये बैक्टीरिया सबको पता है, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया जो होता है वो दही में होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा. ये फंजाई की अगर आप बात करें तो एस्परजिलिस जो है आपका, ये एक तरह का फंगस है, बिल्कुल फंगस है, मोल्ड है ये, तो ये सी रहेगा. प्रोटोजोआ अगर आप बात करें तो अमीबा जो है वो एक प्रोटोजोआ है, तो दिस इज द ऑप्शन डी. और ओमिक्रॉन की अगर आप बात करें तो ये वायरस है, कोविड वायरस है, उसका एक वेरियंट है ये, तो ओमिक्रॉन इज अ वायरस, तो वो इनकी कैटेगरी में नहीं आता है. तो अगेन अगर मैं देखूं तो एल्गे ए के लिए जो है आपका ऑप्शन वन है, देन बी के लिए जो है आपका ऑप्शन वो दैट इज 5 बी इज 5 एंड सी जो फंजाई है आपकी दैट इज एस्परजिलस. तो अगर आप देखें एस्परजिलस में जो आपका सी है वो दैट इज 4 एंड देन डी प्रोटोजोआ जो है आपका दैट इज अमीबा 2. तो आपका है ए 1 बी 5 सी 4 एंड डी 2. ए 1 बी 5 सी 4 डी 2, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट आ जाए. इस क्वेश्चन में वैसे भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज नॉर्मली हम सभी जानते हैं एल्गे बैक्टीरिया फंजाई प्रोटोजोआ और उनके एग्जांपल्स भी हम बहुत छोटी क्लासेस से याद कर लेते हैं, तो यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट रिलेटेड नहीं था, सब एग्जांपल्स को ही रिलेटेड कॉलम ए से क्या हुआ था, मैच किया गया था. हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगेन आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आ जाता है. सपोज यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ अ गैलरी, यू आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर एंड योर फ्रेंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द इमेज ऑफ योर फ्रेंड्स. हाँ जी, ये जो सेम क्वेश्चन है ये मेरी पहली वीडियो में भी अगर आप देखें तो मैंने वहां बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है. ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं. यहां मैं अब आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी पहली वीडियो में रिफ्लेक्शन और प्लेन मिरर इमेजेस इन सबको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है. अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं. तो यहाँ पर मैं प्लेन मिरर बना रही हूँ जिसका ये वाला पोर्शन जो है वो पॉलिश्ड है और आगे वाला जो पोर्शन है वो शाइनी सरफेस है. और यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि सपोज यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर ऑन अ वॉल ऑफ अ गैलरी, कि आपकी घर के सामने या आपकी गैलरी की वॉल में, आपकी जो एक गैलरी है उसकी वॉल के ऊपर जो एक मिरर लगा हुआ है और उसका डिस्टेंस, आपका डिस्टेंस और मिरर का जो डिस्टेंस है वो जो है ऑन द वॉल ऑफ अ गैलरी यू आर एट अ डिस्टेंस 3 मीटर, आप उस पर्टिकुलर मिरर से 3 मीटर की दूरी पर हैं और जो आपके फ्रेंड हैं वो भी मिरर के सामने खड़े, लेकिन उनका डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर का है. कितना है, 4 मीटर का डिस्टेंस है. तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द इमेज ऑफ योर फ्रेंड्स, तो आपका डिस्टेंस और आपके फ्रेंड्स की इमेज का डिस्टेंस के बीच में कितनी दूरी है. मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि क्वेश्चन क्या है, कि
आपके घर की गैलरी की वॉल के ऊपर एक मिरर खड़ा, मिरर जो है वो हैंग किया हुआ है, और उस मिरर से आपकी जो दूरी है वो है पूरी की पूरी 3 मीटर की, और आपके फ्रेंड्स की जो दूरी है उस मिरर से वो पूरी 4 मीटर की है, और फाइनली वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी, आपके और आपके फ्रेंड्स की इमेज के बीच में रियलिटी में कितनी दूरी है। तो यहां पर मैं दिखा रही हूँ, सपोज दिस इज अ प्लेन मिरर, दिस इज पॉलिश सर्फेस, दिस इज शाइनी सर्फेस, एंड मैंने ये पर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी है। ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है और एक ये इमेजिनरी लाइन होती है। तो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि ये खड़ी है, ये खड़ी हूं मैं, ठीक है, यू बोला ना, तो मैं यू तो नहीं बोल सकती, तो मैं इसको अपने आप में ले रही हूँ, ये मैं खड़ी हुई हूँ, इट्स मी। और मेरा डिस्टेंस जो है वो प्लेन मिरर से है लगभग कितनी दूरी पर, 4 मीटर की दूरी, सॉरी 3। अरे प्रॉब्लम सारी ये आती है कि जो ये पेन है, इस पेन से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना इज टोटली अ डिफिकल्ट टास्क। और दोबारा इस डिजिटल को यूज करना भी, ये हूं मैं, और मेरी दूरी जो है वो मेरे मिरर से 3 मीटर की है, ठीक है, और जो मेरे फ्रेंड है उनकी दूरी जो है वो मिरर से, उनकी जो दूरी है मिरर से वो लगभग 4 मीटर की है, यानी इट्स जैसा उन्होंने बताया यू, ये यू की दूरी है, यू एंड ये यू के फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने बताया हुआ है कि सपोज यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, ठीक है, एंड योर फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर। और सबको पता है कि प्लेन मिरर के सामने अगर ये दोनों खड़े हैं तो ऑब्जेक्ट ही है ये, तो यानी कि यहां पर यू 3 मीटर हुआ, और फ्रेंड्स के लिए यू कितना हुआ, 4 मीटर हुआ। यू क्या होता है, यू होता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है, कि यू एक सिंबल है, यू इज अ सिंबल जो ये बताता है, जो ये शो करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर से। तो यहां पर अगर मैं यू की, ये वाले यू की, इसको हम कोई नाम दे देते हैं, मैं यहां पर नाम देती हूँ ए, ठीक है, तो यहां पर मैंने ये जो यू लिखा हुआ था इसको नाम दे दिया है ए। तो यहां पर ए का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द प्लेन मिरर वो 3 मीटर है, इसलिए मैंने इसको लिखा है यू इज इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो ए के फ्रेंड्स हैं उनका डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर कितना है, 4 मीटर, तो मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स के लिए यू कितना दे रखा है, 4 मीटर। अब आप सबको पता है कि एक प्लेन मिरर के अंदर यू जो होता है वही वी होता है, वी क्या है, वी इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है। वी क्या है, वी दर्शाता है उस डिस्टेंस को, वी दर्शाता है इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को फ्रॉम द मिरर, मिरर से जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कितनी दूरी पे बनी है, मिरर से ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी दूरी पे बनी है उसको दर्शाने के लिए जो सिंबल है वो वी है, ठीक है। तो यहां पर मैंने देखा कि एक प्लेन मिरर के अंदर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर होता है, यानी दोनों का डिस्टेंस
क्या होता है, बराबर होता है, जितना यू होगा उतना वी होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका ए जो है वो 3 मीटर की दूरी पर है तो उसकी इमेज भी पॉलिश सरफेस की तरफ बनेगी, क्योंकि जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसमें इमेज जो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, वो हमेशा पॉलिश सरफेस की तरफ बनती है। तो वो भी कितने डिस्टेंस पे बनेगी, 3 मीटर पे। ठीक है, दिस इज द इमेज ऑफ ए, ये बन गई आपकी ए की इमेज, क्लियर है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, अगेन अगर वो फ्रेंड्स जो है ए के वो प्लेन मिरर से 4 मीटर की दूरी पर हैं, तो उनकी इमेज भी प्लेन मिरर से 4 मीटर की दूरी पे बनेगी, यानी उनकी भी वी जो होगी वो कितनी होगी, 4 ही मीटर होगी फ्रेंड्स की। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि वी फॉर ए इज 3 मीटर, वी फॉर फ्रेंड्स इज 4 मीटर, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप पूरे के पूरे इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि मैंने पूरा आउटलाइन लेआउट पूरा तैयार कर दिया क्वेश्चन का। अब फाइनल जो क्वेश्चन है जो एक्चुअली पूछा गया वो क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द इमेज ऑफ योर फ्रेंड, कि आपकी यू मतलब जिसको हमने ए नाम दे, कि ए जो कि यहां खड़ा हुआ है यहां पर, वहां से जो उसके फ्रेंड्स की इमेजेस हैं, जो उसके फ्रेंड की इमेज है, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यू जिसको मैंने ए नाम दिया है एंड द इमेज ऑफ योर फ्रेंड, आपकी आपकी और आपके दोस्त की, सॉरी आपके और आपके दोस्त की इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस है। क्वेश्चन ये नहीं है कि आपकी इमेज और आपके दोस्त की इमेज के बीच में कितने डिस्टेंस है, नहीं, क्वेश्चन ये है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द इमेज ऑफ योर फ्रेंड, आपके और आपके दोस्त के इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि मिरर से आप कितनी दूरी पे खड़े हुए हैं, 3 मीटर, और मिरर से आपके दोस्त की जो इमेज बनी है वो कितनी दूरी पे बनी है, 4 मीटर, यानी कि आपका डिस्टेंस आपका जो डिस्टेंस है मिरर से वो हुआ 3 मीटर, और जो इमेज बनी आपके दोस्त की, जो इमेज बनी आपके दोस्त की पॉलिश सरफेस की तरफ, वो कितने में बनी है, कितने डिस्टेंस पे बनी है, 4 मीटर पे। तो 4 + 3 कितना होगा, 4 + 3 = 7 मीटर, तो आंसर ये हो गया 7 मीटर। मतलब यहां से अगर आप यहां से अगर आप इसको नापना शुरू करेंगे, यहां से लेकर यहां तक अगर आप इसको नापेंगे तो इट विल टेल्स यू द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द इमेज ऑफ योर फ्रेंड, यानी जिसमें 3 मीटर ये काउंट हो जाएगा यहां तक, और बाकी का 4 मीटर ये काउंट हो जाएगा यहां पर, इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो टोटली आ रहा है 7 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर, सो आंसर इज 7 मीटर। Select from the following a planet of solar system which has highly tilted rotational axis as a result of which its orbital motion appears to roll in its side. हाँ जी, यहाँ पर वो बोलना चाहते हैं कि ऐसा planet है हमारे solar system का वो थोड़ा सा अपने axis पे tilted है, और जिसकी वजह से जो उसकी orbital motion है वो भी ऐसी देखती है जैसे कि वो roll out हो रहा है, अपनी side में roll हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी कोई खास concept नहीं है, because एक general knowledge का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं जो उसकी टिल्ट है, रोटेशनल टिल्ट है अपनी एक्सिस पर, जो उसकी टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस है वो कितने डिग्री की है, लगभग 98 डिग्री की है, लगभग 98 डिग्री की है, और इतने एंगल पर वो टिल्टेड है, और ये जो मोस्टली प्लैनेट है वो यूरेनस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इट वाज जस्ट अ जनरल नॉलेज। नेक्स्ट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 320 मीटर पर सेकंड, इफ द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इज 640 सेंटीमीटर, इट
टाइम पीरियड इज। सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने अपनी पहली जो इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी सब कुछ बताया था, और यहाँ पर वेवलेंथ को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगी। मैं आपको बता दूं कि साउंड भी एक तरह की वेव होती है। साउंड भी क्या है, एक तरह की वेव है, और अगर आप देखें तो जो वेव्स होती हैं वो इस तरह से मूव करती हैं। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ये प्रोपगेशन मतलब जो आपकी वेव्स हैं वो अपने मीडियम में इस तरह से मूव करती हैं, और आप देख सकते हैं कि इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये क्रेस्ट कहलाता है, और ये वाला जो पोर्शन है वो ट्रफ कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप चेक करें तो एक नया वर्ड सामने आया है, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। अब वन साइकिल का क्या मतलब होता है? वन साइकिल का मतलब होता है पूरा का पूरा, एक पूरा का पूरा क्रेस्ट और एक पूरा का पूरा ट्रफ। तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक, मैं अच्छे से डायग्राम बना के बता देती हूँ आपको कि जो हमारा साउंड होता है वो भी एक क्या होती है, वेव होती है। साउंड क्या है? एक वेव है। और अगर मैं इसको ग्राफिकली दिखाऊं तो साउंड जो एक वेव है, एंड ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो आप देखेंगे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव, कि इस डायरेक्शन में ये जो वेव है ये मूव कर रही है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट, और ये वाला पार्ट जो है ये ट्रफ है। और कोई भी वेव जब एक पूरा कंप्लीट क्रेस्ट और एक पूरा कंप्लीट ट्रफ बना लेती है, पूरा एक कंप्लीट क्रेस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ बना लेती है, तब आप कहेंगे कि उसकी एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे आप, यहां से लेकर यहां तक जो है इस वेव की एक कंप्लीट साइकिल है, जिसके अंदर उसका पूरा एक क्रेस्ट बना हुआ है और एक पूरा ट्रफ बना हुआ है। नाउ व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। यानी कि एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो एक कंप्लीट साइकिल कौन कौन सी है? एक यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल क्या होती है, कंप्लीट क्रेस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ। तो यहां पर यहां से लेकर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो है एक कंप्लीट साइकिल बनी हुई है, और पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लैम्डा, यानी वेवलेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? वेवलेंथ। तो व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। तो वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। वन साइकिल मीन्स अ कंप्लीट क्रेस्ट और अ कंप्लीट ट्रफ। इज इट क्लियर? सो दिस इज अ वेवलेंथ। तो ये आपकी वेवलेंथ है, और ये लैम्डा जो है, ये लैम्डा, दिस इज कॉल्ड लैम्डा। ये जो आपका लैम्डा है ये उसका वेवलेंथ का क्या है? सिंबल है। क्लियर? तो यहां पर वो पूछना चाहते हैं कि जो साउंड की स्पीड है वो एयर में वो 320 मीटर पर सेकंड होती है, अगर उसकी वेवलेंथ जो है 640 सेंटीमीटर है, यानी ये जो वैल्यू है वो कितनी दिखा रखी है? 640 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सपोज दिस इज अ साउंड वेव, ठीक है, विच इज ट्रेवलिंग इन एयर, और उसका जो लैम्डा है वो ए से लेकर बी तक का मतलब डिस्टेंस जो है वो कितना है? 640 सेंटीमीटर है। कितना है? 640 सेंटीमीटर है। तो उसका टाइम पीरियड निकालो। क्या निकालो? टाइम पीरियड निकालो। मतलब आपके पास स्पीड दे रखी है कितनी? 320 मीटर पर सेकंड। आपके पास वेवलेंथ यानी लैम्डा दे रखा है कितना? 640 सेंटीमीटर। आपको टाइम पीरियड निकालना है, और मैं अगर यहां पर आपको दिखाऊं तो यहां पर आपको ये वाला हिस्सा यानी ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है यानी लैम्डा है, और वो जो है वो उन्होंने एक साउंड वेव का दे रखा है कितना? 640 सेंटीमीटर। तो मैंने वहां पर वैल्यू को मेंशन करके आपको दिखा दिया कि लैम्डा मतलब किस चीज की वो बारे में बात कर रहे हैं, यानी वेवलेंथ किसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है लैम्डा। ठीक है, अच्छा, तो अब जो है सबसे पहले एक चीज जो हमें देखनी है वो ये है कि यूनिट्स मस्ट बी सेम। तो अगर आप देखें तो आपकी जो स्पीड है, जो साउंड की स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में दे रखी है, और अगर आप यहां पर देखें तो ये सेंटीमीटर में, यानी कि यहां पर गलती है। पहले तो यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को अपनी यूनिट्स चेंज करनी है।
तो हमें 640 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देना है। तो सबको पता है कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट 640 सेंटीमीटर इंटू मीटर, 640 सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर दो, मीटर में, तो आप देखेंगे आपको 640 को 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और आपका आंसर आएगा 6.4 मीटर। तो इस तरह से आपने जो है 640 सेंटीमीटर को जो है मीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको निकालना है टाइम पीरियड। और जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है वेवलेंथ अपॉन स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है। कि वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव, क्या फॉर्मूला है, वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव अपॉन स्पीड ऑफ द साउंड वेव, स्पीड ऑफ द साउंड वेव। तो यहां पर टाइम पीरियड के लिए आपने वेवलेंथ को लिख लिया 6.4, एंड आपका जो वी है वो कितना है, दैट इज 320। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आपका है आपका 0.02 सेकेंड, तो आंसर इज 0.02 सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स विल टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। सबसे पहले आप बात करेंगे ऑक्साइड्स क्या होते हैं, व्हाट आर ऑक्साइड्स। जब भी कोई मेटल या नॉन मेटल, जब भी कोई मेटल या नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, ऑक्साइड बना लेता है। क्लियर है? यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मेरा मेटल कैल्शियम है तो मैंने ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट किया है तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड, और मैंने इसको यहाँ पर बैलेंस भी कर दिया। क्लियर? तो ऊपर मैंने जनरल इक्वेशन लिखी हुई है कि व्हेनेवर अ मेटल और अ नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स ऑक्साइड्स। तो ऑक्सीजन के बाद, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद कोई भी मेटल और नॉन मेटल जो है वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब फर्क सिर्फ इतना है कि जो आपके मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, कौन से ऑक्साइड्स, मेटालिक ऑक्साइड्स, वो अलग होते हैं, और जो आपके नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, आपके नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, जो आपके नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्लियर है? नाउ जो बेसिक होते हैं, जिनका नेचर बेस होता है, वो हमेशा क्या करते हैं, वो लिटमस पेपर जो होता है, ब्लू लिटमस पेपर, उसको ब्लू ही रहने देते हैं, और अगर वो रेड है तो उसको रेड से क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, ठीक है। अगर एसिडिक की बात करें तो एसिडिक जो होते हैं, एसिडिक जो होते हैं वो आपके रेड लिटमस को रेड ही रहने देते हैं, रेड लिटमस को रेड ही रहने देते हैं, जबकि वो आपके ब्लू लिटमस को, ब्लू टिटमस को रेड कर देते। क्लियर है? तो यहां पर मैंने आपको बताया व्हाट आर ऑक्साइड्स, व्हेनेवर अ मेटल और अ नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहां मेटल को दिखा दिया, मैं आपको नॉन मेटल को भी दिखाती हूँ, सल्फर प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, जनरल सा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर सल्फर जो एक नॉन मेटल है, क्या है, एक नॉन मेटल है ये, ऑक्सीजन फैमिली का है ये, नॉन मेटल है, ठीक है। सल्फर जो है यहाँ पर नॉन मेटल है, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये जो ऑक्साइड बना रहा है वो कौन सा ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। लगता है आज पेन की इच्छा नहीं है, बोर हो गया वो, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो यहां पर मैंने सबसे पहले आपको समझाया व्हाट आर ऑक्साइड्स,
whenever a metal or a non-metal reacts with oxygen, they result in the formation of a compound that is called oxides. यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको कैल्शियम दिया, कैल्शियम ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। फिर मैंने आपको बताया नेचर के बारे में, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। जो लोग बेसिक होते हैं, जो ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, यानी कि बेस का क्या नेचर है, हाउ कैन यू इंडिकेट, मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में जो है इंडिकेटर्स सिखाए हुए हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो लिटमस पेपर जो होता है एक तरह का एसिड बेस इंडिकेटर होता है, जो ये पता लगाता है कि जो गिवन सॉल्यूशन है या जो भी गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है। वो कैसे, वो अपना कलर चेंज कर देता है। तो मेटालिक ऑक्साइड्स जो कि बेसिक होते हैं, तो बेसिक होने के कारण अगर आप मेटालिक ऑक्साइड्स को लिटमस के साथ यूज करते हो तो ब्लू लिटमस जो होगा, ब्लू कलर का लिटमस हमेशा ब्लू ही रहेगा, लेकिन अगर वो रेड कलर का है तो रेड से ब्लू हो जाएगा। ये खासियत होती है किसकी, बेसिस की। अच्छा, एसिड्स की अगर बात करें, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। जो एसिड के नेचर की बात करें तो एसिड हमेशा लिटमस के साथ कैसे बिहेव करते हैं कि एसिड, सॉरी, लिटमस एसिड के साथ कैसे बिहेव करता है कि ऐसा होता है कि एसिड जो लिटमस है वो अगर रेड कलर का है, कैसा है, रेड कलर का है, तो वो रेड में ही रहेगा, उसको कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यू आर यूजिंग अ ब्लू कलर लिटमस, अगर आप ब्लू कलर के लिटमस को यूज कर रहे हो विद एसिड, देन ब्लू कलर का लिटमस जो है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये एसिड को इंडिकेट करता है और बेस को इंडिकेट करता है लिटमस बाय चेंजिंग इट्स कलर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे पता लगाएं कि जो आपके मेटल्स होते हैं वो बेसिक होते हैं और जो नॉन मेटालिक, सॉरी, आपके मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, वो पता लगाना बड़ा आसान है। हाउ कैन यू से दैट, सिंपल क्वेश्चन इज दैट कि हाउ कैन यू से दैट अ मेटालिक ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर और अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। वो बड़ा सिंपल सा है, जनरल से एक इक्वेशन के तहत मैं आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें, आपने देखा कि आपका जो कैल्शियम था वो एक मेटल है और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है। जब आप इस पर्टिकुलर कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डुबो देते हो तो पानी में डुबोने के बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगेन मैं इस इक्वेशन को बिल्कुल भी जो है बैलेंस नहीं कर रही हूँ। क्यों बैलेंस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी मेन मुद्दा जो मेरा वो है वो ये है कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मैं क्यों कहूंगी कि मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक है। तो अगर आपने यहाँ देखा है, कैल्शियम ऑक्साइड को आपने वाटर में जो है डिजोल्व किया और कैल्शियम ऑक्साइड जैसे ही वाटर में चला गया तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल गया। ये जो हाइड्रोक्साइड होता है यानी OH जहां भी होता है, जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं आपके, यानी कि दिस हाइड्रोक्साइड, ये जो हाइड्रोक्साइड है ये क्या होता है, बेस। इसका नेचर है बेस, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका मेटालिक ऑक्साइड जो है, आपका मेटालिक ऑक्साइड जो है वो वाटर में जाते ही क्या बन गया, बेस बन गया। हमें कैसे पता ये बेस है, अभी आपने डेफिनेशन सुनी होगी बेस की, ऑल दी बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट टू गिव OH नेगेटिव आयंस। जितने भी बेस अगर उन्हें पानी में डिसॉल्व कर दिया जाए तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं किसमें, हाइड्रोक्साइड आयन में, और जो सब्सटेंस वाटर में डिसोसिएट होकर हाइड्रोक्साइड देते हैं वो बेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप पानी में एक्वस में डुबोते हो, पानी में डिसॉल्व करते हो, तो ये टूट जाता है कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव में, यानी कि ये देता है आपको हाइड्रोक्साइड आयन। क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो अगेन मैंने आपको बताया, व्हाट आर बेसिस, बेसिस आर दोस सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे डिसोसिएट टू गिव्स OH नेगेटिव आयन। तो इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका एक बेस है, क्योंकि जब वो पानी में जाता है तो वो OH नेगेटिव देता है जो कि बेस का एक करैक्टर है। और इसीलिए, और ये बना कैसे है, ये बना ऐसे है जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व किया ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो गया। यानी जितने भी मेटल ऑक्साइड्स है व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे ऑलवेज फॉर्म बेस, वो हमेशा क्या फॉर्म करते हैं, बेस फॉर्म करते हैं। इसीलिए ऑल द मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब दूसरी बात जो मैं अपनी कंक्लूड करने वाली हूँ ये है कि मेरे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। उसके लिए भी मैंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ढूंढ के रखा हुआ है। मैंने आपको ये बता रखा है कि जो आपकी सल्फर है
वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है, एसओ टू बना रही है। क्या बना रहा है? एसओ टू। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो आपकी वाटर के साथ, ठीक है, तो ये बन गया H2SO3, दिस इज कॉल्ड सल्फरस एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सल्फरस एसिड है ये। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, इट इज सल्फरस एसिड। क्या है ये? सल्फरस एसिड है ये। और आप देखें कि ये अगेन इसके नाम के पीछे ही एसिड लगा हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं, जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। क्यों? जब भी आप नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी में डालो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आपको कन्फर्म करना है कि ये एसिड है कि नहीं है तो आप लिटमस यूज कर लीजिए। लिटमस पेपर के साथ ही कैसे बिहेव करते हैं? लिटमस पेपर का कलर चेंज करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एसिड की एक या दो ड्रॉप्स लिटमस पेपर के ऊपर डाली और वो रेड कलर का, तो वो रेड ही रहेगा। ब्लू कलर का है तो ब्लू से रेड हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आपने कोई बेस यूज किया हुआ है, तो अगर आप बेस की एक दो ड्रॉप्स जो है लिटमस पेपर के ऊपर डालते हो, तो अगर वो ब्लू कलर का लिटमस है तो वो ब्लू ही रहेगा, लेकिन अगर वो रेड कलर का तो रेड से ब्लू हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको सारी कहानी बताई अबाउट ऑक्साइड्स, उनके नेचर एंड व्हाई दे आर सो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब आप देख रहे हो ब्लू से रेड करना है, ब्लू लिटमस रेड। आपने ब्लू से रेड करना है लिटमस को, और लिटमस को, लिटमस पेपर के कलर को ब्लू से रेड करने वाली जो नेचर है वो किसकी है? वो है आपकी एसिड की। किसकी है? एसिड की। यानी कि आपको इनमें से वो वाला ऑक्साइड पता करना है जो एसिडिक है। तो अभी मैंने आपको बताया ना, सल्फर ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डिजोल्व करो, क्या बनाता है? सल्फरस एसिड बनाता है। सल्फरस एसिड जो है उसके नाम के पीछे ही एसिड लिखा हुआ है, ठीक है, वही आपके ब्लू लिटमस को क्या कर देगा? रेड कर देगा। यानी कि आपका ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड, कि बाकी सब जो है वो मेटालिक ऑक्साइड है। मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, वो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड नहीं करते। ब्लू, अगर आपका लिटमस पेपर ब्लू है तो उसको ब्लू ही रहने देंगे। हाँ, वो रेड से उसको ब्लू जरूर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स इन कंटेस्ट, इन कंटेस्ट ऑफ द क्रोमियम पेंटिंग एंड क्रोमियम प्लांटिंग। प्लांटिंग नहीं होगा ये, ये होगा क्वेश्चन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अच्छा, क्रोमियम प्लांटिंग। Which of the statement is false in the context of chromium planting? Chromium used for electroplating. हाँ भाई, electroplating के लिए use हो रहा है यहाँ पर chromium। वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी बात chromium को लेके गलत है, क्योंकि chromium जो है वो electroplating के लिए use हो रहा है, तो क्यों? ठीक है, Which of the following statement in context of chromium plating? Planting नहीं होगा। हाँ जी, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है ये शब्द। Which of the following statement is false in the context of chromium planting? नहीं है, it is which of the following statement is false in context of chromium plating होगा। ठीक है, chromium जो है वो electroplating में use हो रहा है, और आपने अब A, B, C, D option में से ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सी बात है जो chromium के तहत बिल्कुल गलत है। Incorrect statement आपको ढूंढनी है यहाँ पर। So सबसे पहले मैं बता दूँ electroplating क्या होता है। Example के तौर पर एग्जाम्पल देने से पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस जिसमें मेटल की एक थिन लेयर आपके अपने डिजायर्ड मेटल के ऊपर जो है वो प्लेट की जाती है, ठीक है, ताकि आपका जो मेटल है जिसकी आप रक्षा करना चाहते हो, सुरक्षा करना चाहते हो, उसके जो लेयर है वो प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप आयरन को अगर रस्ट से प्रोटेक्ट करना चाहते हो, इफ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, तो हम उसके ऊपर थिन लेयर लगा देते हैं किसकी? जिंक की। ठीक है, जिसके कारण जो आयरन का सरफेस है वो एयर के कॉन्टेक्ट में या मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाता, तो उसको रस्टिंग उसमें नहीं हो पाती, और इस तरह से आयरन जो है वो कोरोड नहीं होता है। यानी कोरोजन से बचने के लिए हम जो है आयरन के ऊपर जिंक की लेयर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग यहाँ पर अगर आप देखें, क्रोमियम भी वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के काम में इस्तेमाल हो रहा है, और इसमें उसके तहत क्रोमियम के लेकर कौन सी बात गलत है हमें वो पता लगानी है। इट हैज अ डल अपीयरेंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रोमियम बहुत ही शाइनी
जो होता है शाइनी मेटल है उसकी जो अपीयरेंस है वो डल बिल्कुल नहीं है, डल के मुकाबले वो शाइनी होता है, तो होता है शाइनी होता है। क्रोमियम का जो सिंबल है वो Cr है और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 25 होता है, ठीक है। तो अगर आप देखें कि जो क्रोमियम है वो आपका 3D सीरीज का मेंबर है तो पीरियोडिक टेबल में आपको देखने को मिलेगा, और जो क्रोमियम है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 25 होता है, और क्रोमियम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्या है, एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक मतलब अगर आप पीरियोडिक टेबल को चेक करें तो पीरियोडिक टेबल में इस तरह से ऐसे एच बना हुआ, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है और ये डी ब्लॉक है, तो यहाँ बीच में जो है वो क्रोमियम जो है वो लाई करता है, तो इसलिए इसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। तो आप देखेंगे कि क्रोमियम जो है वो एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में उसकी जो पोजीशन है वो डी ब्लॉक है, और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 25 है। और अगर आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि 11th 12th में आप इसकी केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, तो अगर आप इसका फिजिकल प्रॉपर्टी ध्यान देते हैं तो ये डल नहीं होता बल्कि ये शाइनी होता है, इट डज नॉट कोरोड। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, कोरोड नहीं होता है, तभी तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम आ रहा है। इट रेसिस्ट स्क्रैचेस, भाई ये स्क्रैचेस को रेसिस्ट करता है, इसीलिए तो इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। मेटल के ऊपर क्रोमियम इज यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसकी एक थिन क्रोमियम की थिन लेयर आपके डिजायर्ड मेटल के ऊपर चढ़ाई जाती है ताकि वो जो मेटल है वो थोड़ा शाइनी दिखे, और दूसरा जो है उसमें स्क्रैचेस भी ना पड़े, तो इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, ये भी बात बिल्कुल सही है। इट इज एक्सपेंसिव, बिल्कुल क्रोमियम इज वेरी एक्सपेंसिव टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ इट, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो जो ऊपर वाला ऑप्शन है कि वो डल है तो वो बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो मैं यहां पर इसको इस ऑप्शन को सुनू मैच द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ क्रॉप कल्टिवेशन कॉलम ए विद द स्टेटमेंट इन कॉलम बी। हाँ जी, इसमें कॉलम ए को अगेन कॉलम बी के साथ मैच करना है। हार्वेस्टिंग सबको पता है, जब आपकी जो है क्रॉप जो है, जब आपकी जो जो आपकी उपज है, क्रॉप जो है, फसल जो है, जब वो पक जाती है तब आप उसको कटिंग करते हो, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट्स मैच्योरेशन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, उसको हार्वेस्टिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर ए के ए ऑप्शन रहेगा इसमें। देन थ्रेसिंग जो होता है, आप देखें नॉर्मली अब जो पहाड़ी इलाकों में अब जो फसल जिसकी कटाई शुरू होगी अक्टूबर नवंबर से, वो है आपकी चावल की जो खेती है उसकी कटिंग जो है हमारे हिमाचल की तरफ जो है अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है, तो वहां पर जो है हार्वेस्टिंग का जो पीरियड है राइस का वो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है। तो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योरेशन। थ्रेसिंग जो वर्ड है वो मुझे इसलिए याद आता है क्योंकि जब हम लोग थ्रेशर के जो एक मशीन होती है, एक थ्रेशर एक मशीन होती है, उन चावलों को जब उस थ्रेशर में क्या बोलते हैं, उस थ्रेशर को यूज करते हैं, वहां ले जाते हैं चावलों की उस मतलब बड़े बड़े धान के उन क्रॉप्स को, उसको पूरे को उठाकर उन प्लांट्स को सारों को जब वहां ले जाते हैं थ्रेशर के अंदर, जब उसको डालते हैं तो वो सारे के सारे जो है वो जो उसके छिलके हैं वो अलग हो जाते हैं और चावल जो है अलग हो जाते हैं। तो थ्रेशर से ये वर्ड जो है थ्रेशिंग मुझे थोड़ा कनेक्टिंग लगता है, और इसका जो आंसर है वो बिल्कुल वही, जैसे मैंने आपको बताया कि थ्रेशर के थ्रू जब हम जब धान को डालते हैं तो धान के जो सीड्स होते हैं उसमें से जो उसका जो छिलका होता है वो अलग हो जाता है, और जो एक्चुअली में धान है चावल है वो अलग हो जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे ग्रेन सीड्स सेपरेटेड फ्रॉम चाफ, ये जो है वो बी का ऑप्शन है। एंड देन क्रॉप रोटेशन, जी हाँ यहाँ पर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली, यहाँ क्रॉप रोटेशन की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्रॉप्स लगाए जाते हैं बार बार, वो इसलिए क्योंकि क्रॉप रोटेशन जो है एक बड़ा अच्छा मेथड है। क्या होता है कि जब हम वीट या राइस वगैरह लगाते हैं ना अपनी सॉइल के अंदर, अपनी अपने खेत के अंदर, तो वहां की सॉइल में जितना न्यूट्रेंट होता है ये जो फसलें होती हैं वो सारा न्यूट्रेंट जो है कंज्यूम कर लेती हैं। अब जब एक बार वहां पर आपने गेहूं लगा दिए तो गेहूं की खेती के बाद आपके खेत के अंदर मौजूद सोइल जो है उसकी सारी की सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किसने कंज्यूम कर लिए, गेहूं की फसल ने। तो अब आप ऐसा समझ लो कि आपकी जो सोइल की फर्टिलिटी थोड़ी कम हो गई, तो उस फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए आप वहां पर कुछ ऐसी खेती करोगे जो उसको दोबारा से जो है फर्टाइल कर सके आपकी सोइल को। तो ऐसा करने के लिए वो लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाते हैं, जैसे सोयाबीन वगैरह, लोग जो है गेहूं की खेती वेती करने के बाद जो है लोग जो है अपने खेतों में जो है
सोयाबीन वगैरह लगा देते हैं, कुछ लोग चने वगैरह लगा देते हैं। तो ऐसा वो इसलिए करते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया कि उनकी रूट्स में एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम, और राइजोबियम नाम का वो जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, और इस तरह से जो है सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। दोबारा से सोइल जो है वो अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर लेती है। तो क्रॉप रोटेशन जो होता है वो इसलिए किया जाता है कि अगर एक बार किसी ने गेहूं या चावल की खेती करी हुई है तो उनकी सोइल की फर्टिलिटी कम हो गई, तो फर्टिलिटी दोबारा रीगेन कराने के लिए वो उसमें कोई ऐसी क्रॉप लगाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं, यानी वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की खेती कर देते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन। तो ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली, तो यहाँ पर सी इज द ऑप्शन। एंड देन डी, ड्रिप सिस्टम, वाटरफॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। तो ये तो नेम से इंडिकेटर हो गया है कि रूट्स के पास जो है धीरे धीरे ड्रॉप वाइज ड्रॉप पानी डालने के सिस्टम को ड्रिप सिस्टम कहते हैं। आपने नॉर्मली भी देखा होगा, जिन्होंने ग्लूकोज चढ़ाता है उनको भी ड्रॉप वाइज ड्रॉप जो है वो आपकी वेन्स में जो है आपकी ब्लड वेसल्स में जो भी ड्रॉप वाइज ड्रॉप जो है वो ग्लूकोज की बूंदे जा रही होती है, बिल्कुल वैसा ही ड्रिप सिस्टम है ये। तो वाटरफॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए के साथ जो है वो 3 है, बी के साथ जो है वो 4 है, और सी के साथ जो है वो 2 है, और डी के साथ जो है वो 1 है। अगेन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ए के साथ 3 है, बी के साथ जो है वो 4 है, सी के साथ जो है वो 2 है, और डी के साथ जो है वो 1 है। तो ए के साथ 3, बी के साथ 4, सी के साथ 2, और डी के साथ 1। ए 3, बी 4, सी 2, डी 1। ए 3, बी 4, सी 2, डी 1, एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हेन ह्यूमन बींग्स इनहेल ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डज नॉट टेक प्लेस। कि जब ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन या मूवमेंट जो है वो नहीं होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब ह्यूमन बींग्स अपना ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो सारा प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा जनरल सा एक डायग्राम बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये नाक से होती हुई नोस्ट्रिल से ये एयर है, और आप यहाँ देखें कि यहाँ जो ये लंग्स हैं, ठीक है, और ये जो है डायाफ्रेगम, डायाफ्रेगम है ये, आप देख सकते हो, ये जो आपकी कंकेव शेप में है कुछ ऐसा है। तो होता क्या है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि जो पहला ऑप्शन है, द एयर इज ड्रॉन इन थ्रू द नोस्ट्रिल्स, बिल्कुल कि जो भी आप एयर लेते हो, जो भी आप सांस लेते हो, वो सबसे पहले आपके नोस्ट्रिल से होकर ही अंदर जाती है, बिल्कुल द एयर इज ड्रॉन इन थ्रू द नोस्ट्रिल, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। रिब्स मूव आउट, रिब्स जो है वो अपनी रिब्स जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे जो पसड़ियां होती हैं वो थोड़ी सी बाहर को निकल कर आ जाती है। ऐसा वो इसलिए करती है ताकि लंग्स को जो है वो स्पेस मिल जाए। जो आपकी पसड़ियां हैं यहाँ पर, जो आपकी रिब्स होती हैं, जो नॉर्मली आप देखोगे ऐसे ऐसे बनी होती हैं, ये जो है ये बल्ज होके थोड़ी बाहर आ जाती है। क्यों? ताकि अंदर के लंग्स को जो है थोड़ा स्पेस मिल जाए, ताकि वो क्या हो सके, एक्सपेंड हो सके। तो रिब्स मूव आउट सो दैट लंग्स एक्सपेंड। तो बी और सी वाला ऑप्शन, बी और डी वाला ऑप्शन, सॉरी बी एंड डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि रिब्स जब मूव आउट होती है तो लंग्स जो है वो थोड़े से एक्सपेंड, उनको एक्सपेंड होने के लिए जो है जगह मिल जाती है, तो लंग्स जो है वो एक्सपेंड होते हैं, ठीक है। लंग्स के एक्सपेंड होने से क्या होता है कि अंदर जो है वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, जो वॉल्यूम है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो अगर आप फॉर्मूला देखें, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो जितना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जब वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है तो डेंसिटी ऑफ एयर जो है यहां पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण एयर विल मूव फ्रॉम हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। मतलब कि फेफड़ों के अंदर, जब फेफड़े एक्सपेंड करते हैं तो फेफड़ों के अंदर जो है हवा जो है वो कम हो जाती है। अब हवा क्या शो करती है, डिफ्यूजन, एयर शो डिफ्यूजन। तो एयर विल मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, फेफड़ों के अंदर
हवा की मात्रा कम हो गई, तो बाहर क्योंकि एटमॉस्फेयर में हवा की मात्रा फेफड़ों के मुकाबले ज्यादा है, तो हवा जो है बाहर से मूव करेगी फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इनसाइड योर लंग्स, तो इस तरह से इनहेलेशन हो जाता है। तो यहाँ डायफ्रेग्राम जो मूव्स है वो नहीं होता, क्योंकि इस सारे प्रोसेस में डायफ्रेग्राम जो है इट लोवर्स डाउन, कि थोड़ा सा लो हो जाता है और फ्लैट हो जाता है। तो यहाँ पर डायफ्रेग्राम मूव्स अप नहीं है, मूव्स अप कब होता है जब वो एक्सहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन के दौरान नहीं होता है। तो यहाँ पर ये सारे प्रोसेस जो है उसमें ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है और बाकी सब सही है, ये वाला प्रोसेस नहीं होता है। डायफ्रेगम मूव्स अप नहीं होता, मूव्स डाउन हो जाता है थोड़ा सा, और ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले जो एयर है जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे नोस्ट्रिल से होती हुई हमारे लंग्स में जाती है, तो इनहेलेशन के दौरान क्या होता है, हमारा डायफ्रेग्राम अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा नीचे हो जाता है, और नीचे होने के साथ हमारे जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाते हैं, ताकि हमारे लंग्स को अंदर एक्सपेंड होने के लिए काफी जो है जगह मिल जाए। जितने लंग्स अंदर एक्सपेंड होते हैं वहां पर एयर की डेंसिटी जो हो जाती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से एयर जो है वो बाहर एटमोसफेयर से मूव करती है फ्रॉम हायर डेंसिटी टू लोअर। तो इस तरह से बाहर से यानी एटमॉस्फेयर से हवा सीधी कहाँ आती है, हमारे लंग्स में। तो दिस वाज द होल प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है इनहेलेशन का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। जी, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए सबको कैलोरीफिक वैल्यू की जानकारी होनी चाहिए। एक चार्ट होता है किसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से किसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है किसकी ज्यादा है। पर प्रॉब्लम कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है, प्रॉब्लम है व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है वो पढ़ने के लिए मैं आपको पढ़ने के लिए या फिर वो समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 kg ऑफ फ्यूल इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब आप कोई भी फ्यूल ले रहे हो और उसका स्टैंडर्ड अमाउंट 1 kg और उसको बर्न कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करो, तब जितनी अमाउंट ऑफ हीट किलो जूल पर kg में बन रही है उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ केरोसिन। सपोज करो ये कोई पर्टिकुलर फ्यूल है और इसको बर्न करने पर आपकी एक्स अमाउंट ऑफ हीट निकल रही, तो इसकी एक्स किलो जूल पर केजी क्या हुई, कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब ये कि अगर आप इस पर्टिकुलर फ्यूल को 1 kg लेते हो तो इसमें से एक्स किलो जूल की अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, रिलीज होती है जब आप इसको बर्न करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतनी ज्यादा एफिशिएंसी होती है किसी फ्यूल की, यानी अगर आप ये देखना चाहते हो कि फ्यूल कितना एफिशियंट है तो आप उसी कैलोरीफिक वैल्यू को कंपेयर करो, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा एफिशियंट होगा, यानी वो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम पहली बात करें तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ केरोसिन इज मोर देन दैट ऑफ कोल, वो बिल्कुल सही है। उसके बाद द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज मोर देन ऑफ वुड, नहीं जी, वुड की कैलोरीफिक वैल्यू कोल से ज्यादा होती, ठीक है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर देन दैट ऑफ एलपीजी, ये भी बिल्कुल सही है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सीएनजी इज मोर देन दैट ऑफ डीजल, ये भी सही है। यानी हमें यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर ढूंढनी है तो इनकरेक्ट के तौर पर हम यही कहेंगे कि ये जो बी वाला ऑप्शन है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज मोर देन दैट ऑफ वुड, वो ही इनकरेक्ट है, क्योंकि वुड की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो कोल से ज्यादा होती है। अ बस ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट्स एंड देन एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 18 मिनट्स, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम इज, यानी कि एक बस है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी 12 मिनट तक, उसके बाद वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चली 18 मिनट तक, टोटल डिस्टेंस आपको उस बस के द्वारा कवर कितना किया गया है वो पता लगाना है। तो यानी कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है सिंपल है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, और अगर आप यहाँ पर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो दैट इज स्पीड इंटू टाइम है, तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है देन वो आता है स्पीड इंटू टाइम। प्रॉब्लम सारी क्या है, प्रॉब्लम सारी ये है कि अब हमें यहां पर टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले
इस पर्टिकुलर स्पीड और इस पर्टिकुलर टाइम के लिए डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर इस पर्टिकुलर स्पीड और इस पर्टिकुलर टाइम के लिए डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर दोनों ही डी वन और डी टू को ऐड करके टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए आ जाते हैं, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम फॉर द स्पीड इज 12 मिनट्स। अब देख लीजिए, आप ऊपर जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दी है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में, लेकिन टाइम जो है वो आवर में दिया हुआ है। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ टाइम मिनट्स में दिया हुआ है, तो हम लोगों को अपने मिनट्स वाले टाइम को आवर में कंप्लीट चेंज करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन क्या लगानी पड़ेगी? कन्वर्जन लगानी पड़ेगी किसको? मिनट को आवर में। ठीक है, तो सबको पता है कि वन मिनट, सॉरी वन आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, की एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो आप क्या करेंगे? कन्वर्ट कन्वर्ट 12 मिनट इंटू आर। तो 12 मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू डिवाइड 12 by 60। हम 12 को 60 से जो है वो डिवाइड करने जा रहे हैं, और यहाँ पर 6 1 6 6 0 0 6 2 12, तो ये बन गया आपका 0.2 आर। ठीक है, ये आ गया आपका 0.2 आर आ गया। आप इसको इक्वेशन में लिखेंगे, आप लिखोगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हो गई आपकी 50, डिस्टेंस आपका हो गया x1 फॉर द सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन, एंड देन टाइम हो गया इसके लिए 0.2। तो यहाँ पर x1 इज इक्वल टू हो गया 50 × 0.2, दैट इज 50 × 0.2 का 10, दैट इज हो गया 10 किलोमीटर। मैंने यहाँ से लेसन बताया, नीचे 10 लगाया, जो से 0 काटा, फिर 10। ठीक है, नाउ नेक्स्ट तो ये वैल्यू आ गई मेरी किसकी, ये जो मेरी वैल्यू आई है ये x1 की आई है। किसकी आई है? x1, जहां पर स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी और टाइम जो था वो 12 मिनट्स का था। देन फॉर x2 के लिए देखिए आप, स्पीड जो है आपकी वो कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर है। टाइम अगेन आपका 18 मिनट्स है। हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 60। 6 1 6 6 3 18 एंड द 0.3 आर। ठीक है, 0.3 आर हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। स्पीड हो जाएगी आपकी 40, डिस्टेंस हो गया आपका x2, टाइम हो गया आपका 0.3, देन x2 इज इक्वल टू 40 × 0.3, दैट इज 12 किलोमीटर x2। तो आपका x2 जो है वो 12 किलोमीटर आ गया, यानी कि डिस्टेंस फॉर दिस स्पीड एंड फॉर दिस टाइम इज दिस, एंड डिस्टेंस फॉर दिस स्पीड 50 एंड टाइम 0.2 के लिए। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस जो होगा आपका वो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस आएगा आपका x1 प्लस x2, दैट इज 10 किलोमीटर प्लस 12 किलोमीटर इज इक्वल टू 22 किलोमीटर। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो 22 किलोमीटर। और Which of the following statement is or are correct regarding the image formation in plane mirror? इनमें से कौन सी जो बात है वो plane mirror के लिए बिल्कुल सही है? तो
तो मैं आपको बता दूं, प्लेन मिरर में हमेशा ही जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज वो होती है जो शाइनी सरफेस की तरफ ना बन के किस तरफ बनती है, पॉलिश्ड सरफेस की तरफ बनती है। कहां बनती है? पॉलिश्ड सरफेस की तरफ, यहां ऐसे, ठीक है, इरेक्ट। दूसरा, इमेज रियल? नहीं जी, रियल इमेज हमेशा शाइनी सरफेस की तरफ बनती है, मतलब यहाँ रियल इमेज जो बनती है वो शाइनी सरफेस की तरफ बनती है, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी ऐसे, ठीक है। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, हाँ जी, यहाँ लेटरल इन्वर्जन दिखाया गया। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जो आपका प्लेन मिरर है उसके अंदर अगर आपने पी ऐसे लिखा है, मान लो आपका जो प्लेन मिरर है और आपने पेपर के ऊपर पी ऐसे लिखा है, तो आपको इमेज में वो ऐसे दिखेगा, दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, यानी अक्षर उल्टा दिखेगा। अगर आप इसको उठाकर इसके ऊपर रखते हो तो वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा, मतलब अगर आप इस पूरे अक्षर को इमेजिनरी तौर पर ऐसे देखो कि अगर मैं पी के ऊपर ऐसे वाला पी रखूं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, पी के ऊपर पी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो इन्वर्टेड सा नजर आता है आफ्टर, जो ऑब्जेक्ट भी नहीं, सॉरी, जो भी आप अल्फाबेट वगैरह जो भी लिखते हो, ये जो भी कुछ है यहाँ पर, जैसे आपने ए लिखा, आपने पी लिखा है, तो पी जो है वो ऐसा नजर आ रहा है, तो अल्फाबेट जो है वो इन्वर्टेड नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर इसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। तो लेटरल इन्वर्जन के तहत ही आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस में भी जो आप देखेंगे तो अक्षर उल्टे लिखे होते हैं, ताकि शीशे में जब आप उसको पढ़ो तो वो सीधा दिखे, एम्बुलेंस, ठीक है। तो आपने देखा होगा, मैं फिर बता रही हूँ कि जो एम्बुलेंस होती है उसमें पूरा जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा होता है वो पूरा उल्टा लिखा होता है, बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेनन, क्योंकि जितने भी अल्फाबेट आप शीशे में देखते हो, जितने भी अल्फाबेट्स की इमेज आप शीशे में देखते हो, आपको वो उल्टे से नजर आएंगे। जैसे पी जो है, अगर आपने पेपर पे लिखा हो और आपने फिर उसे शीशे के सामने रखा, तो उसकी इमेज जो है शीशे के सामने इस तरह से नजर आएगी, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इसी वजह से एम्बुलेंस के ऊपर भी सारे अक्षर जो है उल्टे लिखे होते हैं, ताकि शीशे में उनकी सीधी इमेज आपको नजर आए, दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, इमेज इज लेटरल इन्वर्टेड। ये बात भी बिल्कुल सही है, इमेज का इमेज इज साइज इज सेम दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। अब आप खुद ही देखो कि अगर आप क्या बोलते हैं शीशे में खुद को देखते हो, तो जितनी आपकी हाइट है उतने ही आप नजर आओ, ना छोटे ना बड़े। तो जो भी ऑब्जेक्ट जितनी साइज का, जितने साइज का आप किसी भी प्लेन मिरर के ऊपर देखते हो उसकी इमेज को, जिस उसकी जितनी एक्चुअल में हाइट होती है, उसकी इमेज में भी वो हाइट जो है प्रॉपरली उतनी ही नजर आती है। तो द इमेज साइज इज सेम दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है बी, क्योंकि इमेज रियल तो नहीं होती प्लेन मिरर में, रियल इमेज बनने के लिए उसको शाइनी सरफेस की तरफ बनना पड़ता, और जो प्लेन मिरर की इमेजेस होती है वर्चुअल होती है, यानी पॉलिश की सरफेस की तरफ बनती है, और इमेज जो होती है वो लेटरल इन्वर्टेड होती है, मतलब अगर आप किसी अल्फाबेट को लिख कर शीशे के आगे खड़े हो जाओ, पेपर में अल्फाबेट को लिखो और उसे शीशे के आगे खड़े हो जाओ, तो आपको वो उल्टा दिखेगा, इन्वर्टेड दिखेगा। जैसे पी जो है वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, दैट्स वाई एम्बुलेंस में जो होते हैं वो सारे वर्ड्स जो होते हैं वो उल्टे लिखे होते हैं, ताकि जब कोई भी ड्राइवर पीछे से आ रही एम्बुलेंस को देखे तो उसमें लिखे हुए वर्ड उसके शीशे में उसको सीधे नजर आए, ठीक है। द इमेज जो भी ऑब्जेक्ट आप प्लेन मिरर के आगे रखते हो उसकी जितनी साइज है, जितनी हाइट है, उतनी ही हाइट की उसकी इमेज भी बनती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो जो आपका ऑप्शन है इज आर करेक्ट, अच्छा सॉरी, हमें इसमें इनकरेक्ट नहीं ढूंढना है, इसमें करेक्ट ढूंढना है। हाँ, तो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन है, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन, ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो आपका ए सी डी इज द करेक्ट ऑप्शन, A, C and D is the correct option. तो यहां पर अगेन मैं अपनी क्लासेस आज समाप्त कर रही हूं, नमस्कार।